स्क्वायर है ना, टू वन सा टू अपॉन में रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल, दैट मीन्स कम्स थ्री, टू अपॉन में रूट थ्री होल अपॉन वी हैव टेकिंग एलसीएम ओवर हियर सो वी गेट थ्री, वी कैन मल्टीप्लीकेशन थ्री वन, दैट इज थ्री वन जो थ्री वन वन जो वन, दैट मीन्स अगेन वी कैन राइट मेक द एरोस प्रॉपरली, मेक द एरोस प्रॉपरली, टू अपॉन रूट थ्री अपॉन थ्री प्लस वन फोर अपॉन में थ्री. If we have four fractions, two fraction and two fraction, we have four values, 1, 2, 3, 4. Always remember, the last value will comes in the multiplication. Okay, so this 2 into 3 upon root 3 into 4. Six. अब ये फोर में रूट थ्री का मल्टीप्लाई होना है का, फोर का रूट थ्री में मल्टीप्लाई होगा, बट स्टिल वी शुड नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ दिस इज द इरेशनल नंबर और दिस इज द नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर में कभी भी समझौता नहीं हो पाता है, मतलब वहां पर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है. तो क्या होगा, ये जो फोर है ना, ये फोर ये बाहर आके लग जाएगा, मतलब दैट मीन्स समथिंग लाइक दैट, टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा फोर, 3 upon 2 root 3. This is our final answer. All right. 2 3 to 6, 2 to the 4. So, अगेन आपका बहुत बहुत अभिनंदन है. आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू जस्टिफाई योर आंसर एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन. तो वी हैव दिस क्वेश्चन 2 tan थीटा, 2 tan 13 प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री. सो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर हमें अपना आंसर को जस्टिफाई करना है का, एंड सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो वैल्यू 1/2 हो सकती है, रूट 3/2 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, मतलब इट्स बेसिकली रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. सो ऐसी वैल्यू आएगी तो आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना होगा कि किस साइन के किस परिवार के सदस्य की वैल्यू होगी. तो आइए हम यहाँ पे पुटिंग करते हैं. सो 2 tan 30 degree का वैल्यू क्या होता है का, 1/√3, ये वैल्यू होती है 1/√3, यस और नो, tan थीटा की 10 30 degree की वैल्यू होती है, यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया, ऑलराइट, अपॉन लगा हुआ है, 1 plus tan स्क्वायर 30 डिग्री के अगेन वैल्यू क्या होती है, 1/√3 का स्क्वायर होता है. ऊपर रैशनलाइजेशन क्या करेंगे, ऑलवेज टेक केयर अबाउट द रिजल्ट, द इफ द रैशनल नंबर आर इन डिनोमिनेटर, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग की वेन एवर वी कैन सी समथिंग लाइक दैट आंसर, तो वी कैन नॉट फॉरगेट की आप यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम हियर. अपन को जब रूट रहेगा तो वहां पर हमें इसे स्टॉप नहीं करना है, हम क्या करेंगे 3 अपॉन में 2√3 मल्टीप्लीकेशन 2√3 अपॉन में 2√3, 3 टू जा 6 √3, 2 टू जा 4, ऑल राइट, एंड दिस विल बी 4 थ्री जा 12, ऑल राइट, 3 टू जा 6 2 1 2, the root 3/2, or this is the value of sine 60 degree. Yes. Aya, again I repeat. Okay, no, never, don't forget. Okay, मैं इसे समझा देता हूँ आपको. पूरा raise करके बता देता हूँ. We can multiplication by what we can do. What we can do? We can just rationalize the denominator. तो rationalize कैसे करते हैं सर? प्यार से इस नंबर को प्यार से उठाओ और यहाँ लिख दो. और फिर नीचे भी वही नंबर को लिख दो. आ गया करना हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं अपन. 3 × 2 = 6 √3, 2 × 2 = 4, और रूट थ्री में रूट थ्री क्या करेंगे तो कितना आएगा 3 3 1 = 3 3 2 = 6 2 1 = 2
टू टू जा सब मर गए, रूट थ्री जिंदा है और टू जिंदा है। और ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारी साइन 60 डिग्री की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अर्ज किया है पानी पीना है तो गिलास में पीजिए, बिस्लरी की बोतल में क्या रखा है। पानी पीना है तो गिलास में पीजिए, बिस्लरी बोतल में क्या रखा है। प्यार करना है तो माँ बाप से करिए, लड़की में क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकंड का, साइन टू ए इक्वल टू साइन इज ट्रू। वो बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, ये हमें बताना है। कैसे पता चलेगा, हाँ तो वो पता चलेगा हमें, पूछो कैसे। हमें कुछ कहा यहाँ पे, क्या बोला है हमसे, वो बोल रहा है कि पहले आप, हाँ पहले यहाँ पर एक ही जगह पर कोई वैल्यू पुट अप करिए, दैट कुड बी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, आपको अलग अलग वैल्यू रखनी है। हम शुरुआत करते हैं जीरो खोजा मेरे भारत ने, तो आइए हम यहाँ प्यार से रखेंगे जीरो, तो ये क्या हो जाएगा साइन टू ए का वैल्यू, मतलब यहाँ जीरो रखा हमने जीरो डिग्री, टू साइन जीरो डिग्री, ठीक है। तो साइन टू जीरो का जीरो, टू साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है का जीरो, और टू साइन जीरो भी क्या होता होगा जीरो। दैट मीन्स जीरो एंगल जो था हमारा, उसको जब हमने यहां प्यार से रखा, जीरो कोण का मान जब हमने यहां रखा, जीरो यहां पे रखा, एक स्थान पे क्या रखा जीरो, क्या रखा जीरो, जैसे ही हमने रखा तो हमें क्या मिल गया, हमें दोनों जो साइड्स थी वो सेटिस्फाई हो गई, क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई, मतलब कि सर दोनों बराबर बराबर हो गए। सर अगर यहाँ पे एक ही जगह हम कोई दूसरा वी कैन पुटिंग अनदर एंगल, तो वी हैव सेटिस्फाइड इक्वेशन, फिर नहीं होगा। आपने 30 डिग्री रखा तो नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, अलग अगल आएगा, कुछ और कुछ रखोगे फिर अलग अगल आएगा। ऑलराइट, तो द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, वी कैन पुटिंग ओनली द एंगल, द राइट ऑप्शन विल बी जीरो डिग्री, वी कैन पुटिंग, तो वी विल गेट अ राइट ऑप्शन, सेटिस्फाइड द इक्वेशन।